ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल, जिस सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जो आपके सामने हाजिर है, वो यकीनन अपने आप में मील का पत्थर है। बॉलीवुड जो है वो इतना कमतर हो गया है कुछ सालों में, गिनती की सही फिल्में बन रही हैं, और वो भी वो फिल्में जो फिल्मकार माटी से आता है, जो इस अस्मिता को समझता है वही, लेकिन जो कुछ वक्त बिता चुका है उस इंडस्ट्री में, वो उम्दा सिनेमा से कतरा रहा है। ऐसा नहीं कि उसका सामर्थ्य नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि उसकी मंशा ही नहीं है। एक और बाहुबली जो है वो काल्पनिक चरित्र है, जबकि इस सीरीज का चरित्र सर्व ज्ञात है, सबको पता है उसकी अस्मिता, उसका जीवन, उसका वैभवशाली विचार, उसकी बुलंद शख्सियत, सब परिचित हैं उससे। महाराज छत्रसाल 1649 में अवतरित वो युग पुरुष जिसने पूरी दुनिया को दिखाया, यदि हम अपनी अस्मिता के लिए कमर कस खड़े हो जाएं तो पर्वत तक को रास्ता देने के लिए हटना होगा, दिशाएं मुड़ेंगी, नभ स्वयं पीठ थपथपाने आएगा। यह है उस महाराज छत्रसाल का वैभवशाली जीवन का वृत्तांत, जो इस सीरीज में बखूबी दिखता है। जय हिंद, हर हर महादेव। स्वागत है आपका द रियल फिल्मी में, मैं हूं अभिषेक। यूं तो पहले ये क्लियर कर दूं कि बहुत कम रिव्यू छत्रसाल पे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं ऐसे रिव्यूज की, ऐसे सीरीज, ऐसे फिल्म, ऐसे कृत्य की, लेकिन मैं कर रहा हूं और आप करिए। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया समर्थन कीजिए इस चैनल का, मेरा अपना, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने वैभवशाली अतीत, अपनी अस्मिता का। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही कई वैभवशाली ऐतिहासिक संदर्भों में बनी फिल्मों सीरीज की मैं बात करूंगा और पूर्ण विश्वास से रिव्यू करूंगा कि आप उसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करिए, अपना साथ बनाइए इस हुंकार में। थत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। ये दो पंक्तियाँ अपने आप में सार्थक हैं उस महान वैभवशाली युग पुरुष की वर्णन करने के लिए, ये सक्षम है ये हमें दर्शाने के लिए कि कैसा रहा होगा उस विराट व्यक्तित्व का जीवन। 12 साल में जिसके माता पिता को मुगलिया सिपाहियों ने धोखे से कत्ल कर दिया और उनका धड़ उनके सर से अलग कर पूरे भरे बाजार में घुमाया, उस 12 साल के बालक की कैसी मनोदशा रही होगी, और सालों की प्रतीक्षा और उस घुटन की पीड़ा को घोल कर पी जाने वाला वो बालक कैसे एक महान छत्रपति छत्रसाल बना, ये देखने लायक है। उन्हीं की पुत्री थी मस्तानी, जिन्होंने बाजीराव का कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन किया मुगलिया सल्तनत का परचम तोड़ने और उसका पैर उखाड़ने के लिए। 49 में उनका अवतरण हुआ और 81 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। जीवन हम सभी को समर्पित कर दिया एक वैभवशाली शिक्षा के रूप में। सीरीज जो है ये भारतीय अस्मिता के उस बुलंदी का परचम है, ये ध्वजवाहक है उस महान वैभवशाली ऐतिहासिक वृत्तांत का, जो हमारी रगों में स्वतंत्रता का बीजों अंकुरित करता है, जो हमें उस महान वैभवशाली पाठ का अनुकरण करने के लिए शक्ति संपन्न बनाता है। ये कहानी है महाराज छत्रसाल का, जिन्होंने घुसपैठिए उन मुगलों के नाक में दम कर दिया और उन्हें मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि वो वाकई घुसपैठिए हैं। पूरे बुंदेलखंड को संगठित करने वाला वो चाबाज बालक, जो वैभवशाली विराट व्यक्तित्व के रूप में समग्र भारत का आइकॉन बन गया, महाराज शिवाजी से प्रेरित होकर, उनसे शिक्षित होकर, उनसे 25 पैदल घुड़सवार लेकर
अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए निकला वो बांके नौजवान, स्वतंत्र बुंदेलखंड बना लिया, औरंगजेब को पटकनी दी उसने। ये सब इतिहास में दर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य से ये है हमारी पाठ्यक्रम का, हमारे उन चाटुकार, उन चापलूस किताब लिखने वाले, स्कूली पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले, उन तोगली मानसिकताओं का जिन्होंने ऐसे वृत्तांत को, ऐसे शौर्य गाथाओं को बड़ी चालाकी से किताब से हटा दिया और बाल मन को फुहरता से, अश्लीलता से, कमजोरियों से, गुलाम की मानसिकता से भर दिया। आज आप युवाओं से जब बात करेंगे तो वो अपने आप को हाई फाई टेक्ने से भी दिखाते हैं, लेकिन उन्हें इतिहास का कितना ज्ञान है। ये सीरीज उन्हें जरूर देखनी चाहिए और उन तुष्टिकरण वाले, उन चापलूस, उन गिद्धों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने वर्षों से ये छल किया है। ऐसे अनसंग वॉरियर्स को, ऐसे अकहन हीरो को, वीरों को छुपाया है, हमारी नस्लों से गायब कर दिया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ एमएक्स प्लेयर का कि उन्होंने ये पहल की, उन्हें कोटि कोटि साधुवाद है। इसके चरित्र, इसके सारे क्रू मेंबर, इसके कहानीकार और विशेषकर अनादि चतुर्वेदी का, जी का नाम ही अनादि है। देखिए, शेक्सपियर भले ही कहते हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है और ये सार्थक किया है अनादि जी ने। अनादि चतुर्वेदी ने इसे डायरेक्ट किया है। आशुतोष राणा इसमें औरंगजेब बने हैं, जितिन गुलाटी ही महाराज छत्रसाल हैं। देखिए, याद करिए जब हमारा पहला फिल्म बना था, हमारा पहला फीचर फिल्म बना था, दादा साहब फाल्के ने 1912 में जब वो फिल्म रिलीज की तो उसका तकनीक मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी पटकथा, उसका मूल, उसका नियत साफ थी, उसमें सार्थकता थी, उसमें पवित्रता थी और उसमें दृष्टि था। सेम वही पृष्ठभूमि इस सीरीज का है। तकनीक के लिहाज से ये बेहद कमज़ोर है, कई जगह आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये ग्रीन पर्दे पर शूट किया गया है। मैं सिनेमाई प्रेमी हूँ, मैंने दुनिया भर की सिनेमा देखी है, बुलंद सिनेमा को देखा है, करोड़ों रुपए के सेट वाले सिनेमा को भी देखा है, तो इस लिहाज से मैं जानता हूँ कि ये कमज़ोर है, लेकिन मैं उस आत्मा को पहचानता हूँ जो आत्मा इसमें पिरोई गई है। ये उन लोगों के लिए भी एक बुलंद मिसाल बनेगा जो वाकई इस तरह का अपने वैभवशाली ऐतिहासिक नायकों के ऊपर फिल्में और सीरीज बनाना चाहते हैं। 20 एपिसोड में, छोटा सीरीज नहीं है, कम समय अवधि की नहीं है, एक बुलंद मकबूल समय अवधि है इसमें, 20 एपिसोड और 55-60 मिनट के एपिसोड हैं, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और उस वक्त में आप की अस्मिता यकीनन जाग उठेगी। तो प्रार्थना है नए फिल्मांकुरों से कि वो आएँ और इसमें सहयोग करें। तो तकनीक को आप छोड़िए, इसकी पटकथा, इसकी मूल, इसका मर्म समझिए, तो ये फिल्म उसके लिए मील का पत्थर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी और भी फिल्में बनेंगी। अब बहुत सारे नायक हैं, पंजाब में सिख बंधु, राजस्थान में राजपूत, मराठा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं बंधु ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी माँ भारती के लिए। उन पर फिल्में बनेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, छत्रसाल ने वो दरवाज़ा खोल दिया है। तो आप इस सीरीज को एमएक्स प्लेयर पर जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। तकनीक और अभिनय को आप परे रख दीजिए, इसका वाकई मर्म समझिए। तो ये एक मील का पत्थर, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा बाहुबली का बाप। ये काल्पनिक बाहुबली की तरह नहीं है, ये वास्तविक छत्रसाल चारित्रिक जीवन गाथा है जो आप में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, जोश, ऊर्जा, मातृभूमि के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति अनुराग, विश्वास, सर्व कल्याण का भाव जागृत करेगा। तो इस पूरे टीम को कोटि कोटि साधुवाद। एक बात का जिक्र मैं यहाँ जरूर करूँगा, जब हम बर्तन थे, जब हम गुलाम थे, दैहिक गुलामी थी हमारी, तब बहुत सी फिल्में बनती थी। दादा साहब ने जो पहली फिल्म बनाई वो राजा हरिश्चंद्र थी,
उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज जो सदैव सत्य बोलते थे और सत्य के लिए उन्होंने अपना जीवन आहुत कर दिया। ये है भारत भूमि का वास्तविक चरित्र। तो हम उस समय कितने सहिष्णु थे कि हम ऐसी फिल्में बनाते हैं। मुझे याद आ रहा है वो दृश्य अछूत कन्या का, जब ब्राह्मण एक तरफ से आ रहे हैं और एक धोबन नदी में है, उसका परछाई है, ब्राह्मण आ रहे हैं, उनकी दोनों परछाइयाँ, एक बच्चा कंकड़ फेंकता है और उस जल में गड़मड़ होकर मिल जाते हैं। सोचिए हम इतने सहिष्णु थे, ये हमारी भारत की अस्मिता है। लेकिन कुछ दोयम दर्जे की मानसिकताओं वाले गिद्धों ने अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी टुटपुंजिए पैसे की लालच में जातीयता का बीज बोया, धर्म को मजहब जैसा बना दिया, ने बहुत गड़बड़ कर दिया। और आज सोचिए जब हम स्वतंत्र हैं, भारत को तोड़ने वाले चिल्ला रहे हैं, और सोचिए हम, हमारे पास इतने वैभवशाली नायक हैं, चरित्र हैं, फिर हम असहिष्णु क्यों हैं? हम पीछे क्यों हट रहे हैं? हम कमतर क्यों महसूस कर रहे हैं? हमें आगे आना चाहिए ऐसे चरित्रों को लेकर, अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर करने के लिए। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और फिर कहूँगा, भारत ही वो धरा है जो पूरे विश्व को एकजुट, सर्व कल्याणकारी जब कहता हूँ तो केवल मनुष्यों की बात नहीं है, उसमें सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास और जो अतृप्त अदृश्य हैं उनकी पूजा, उनका सम्मान भी भारत भूमि करती है। तो ये इसकी उसका मनोभाव है, भारत भूमि के जनवृंद की वास्तविक अस्मिता का प्रतीक है उसका जीवन। तो इन पर फिल्म यकीनन बननी चाहिए। तो आप अगर ऐसे वीडियो देखते हैं, आप समर्थन करते हैं, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः राम राज्य हो जाएगा। आपसे विनम्र प्रार्थना पुनः है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी अन्य रिव्यूज़ और वीडियो के साथ ऐसे ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। जय।